शेखपुरा में हमारे भाई भोला कुरैशी जी, पप्पू कुरैशी जी के यहाँ पर हमारे साथ में हसीब हसन साहब, मेरी बहन रुबीना कुरैशी और तमाम जितने भी यहाँ के जिम्मेदार आराम से और भाई मौजूद हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। ये वो धरती है जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने खून से अपनी यहाँ पर मेहनत करी है और आप लोगों ने भी हमेशा उन्हें प्यार दिया, आज ये मौका दोबारा आपके हमारे पास है कि यहाँ से आप लोगों का हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए मेहनत करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। अपने तारुफ में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम इकरा हसन है, कैराना जो लोकसभा नंबर 2 है, पहले चरण में वहाँ चुनाव हो चुका है, समाजवादी पार्टी की मैं वहाँ से प्रत्याशी हूँ और आप लोगों की दुआओं से और अपनों के साथ से उम्मीद है कि हम लोग वहाँ से ही बीजेपी का सफाया करते हुए आएंगे। तो आप सब ये समझिए कि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने मैनपुरी में भी मेहनत करी और वहाँ से भी इंशाल्लाह बड़ी जीत होने जा रही है। अब आपके ऊपर ये दारोमदार है कि आप लोग किस तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे, जितवाने का काम करेंगे और ये जो चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके हमारे आने वाले कल का चुनाव है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है। अगर इसमें हम कमज़ोर पड़ गए तो आगे हमें पछतावा होगा। ये मौका है हमारे पास, इस मौके का हमें सही इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर हम चूक गए तो फिर से ये लोग 5 साल के लिए हमारे ऊपर बैठ जाएंगे और जिस तरीके से इनकी तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से हर वर्ग हर समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, न गरीबों का सोचती है, मजदूरों का नहीं सोचती, न किसानों का। और हमारी जो महिलाएं हैं उनके बारे में बहुत बात करते हैं कानून व्यवस्था की, लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है आप लोग जानते हैं। अभी हमारी जो महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने पूरे देश में हमारा नाम रोशन करा, उन्हीं के ऊपर उत्पीड़न करने वालों को फिर से टिकट दिया गया है। तो ये ऐसी सरकार है, ये बाद में किसी की सुनवाई नहीं करते। तो इसीलिए मौका सिर्फ वोट का है हमारे पास, जिसके इस्तेमाल से हम इन्हें हरा सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से भारी मतों से, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जीत इंशाल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी जरूरत है क्योंकि कोई भी चुनाव हमें हल्के में नहीं लेना है। हम लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं कि बड़े चेहरे हैं यहाँ से लड़ रहे हैं तो अपनी मेहनत कम कर देते हैं, लेकिन आज जैसा चुनाव हुआ है संभल में, आपने देखा होगा किस तरीके से ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके वोटों को रोकने की कोशिश करते हैं, प्रशासन का इस्तेमाल करके वोटों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो हमें मेहनत में अपनी कमी नहीं छोड़नी है और एक एक वोट बूथ तक लाना है और डलवाना है इंशाल्लाह। सबसे बड़ी कोशिश जो आप लोगों से मेरी अपील है वो यही है कि आप लोग वोट परसेंटेज पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। जितने अब तक चरण हुए वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कम है, उत्साह कहीं ना कहीं कम है, तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि अगर आज हमने अपने वोट का इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं किया सही तो कल को शायद हमसे ये अधिकार नहीं होगा। अगर इनके 400 पार हो गई सीटें तो आपको पता है ये संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं। संविधान अगर बदला गया तो हमारे पिछड़े भाई, हमारे दलित भाई और आप लोग अल्पसंख्यक जितने भी हैं सभी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। इनके इरादे आपके हमारे लिए सही नहीं है, तो इसलिए ये मौका है और ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है, इसमें आप अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। यहाँ पर सभी लोग, हम बाहर से आए हैं, आप लोग यहाँ के हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, चुनाव को हल्के में ना लें, कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग सब मेहनत करें और मेहनत सबसे जरूरी है, बूथ जब मजबूत होगा तभी चुनाव मजबूत होगा। तो अपना एक एक वोट पहले से उसको देख लीजिए, पहले से अपने बूथों की जानकारी ले लीजिए, अपने पहचान पत्र की जानकारी ले लीजिए और आने वाली 13 तारीख में अपना एक एक वोट चुन चुन कर चुप चुप कर आपको साइकिल का बटन दबाना है और यहाँ से हमारे अध्यक्ष बटन दबाना।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।